और अब बात करते हैं दिल्ली की, क्योंकि यहां पर कोरोना के मामले पिछले 24 घंटे में काफी बढ़े हैं, लेकिन आज दिल्ली में आईटीओ के पास जाम के हालात कैसे बन गए हैं ये आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे। दिल्ली से नोएडा आने वालों को रोकने पर जाम बढ़ता जा रहा है, तो डीएनडी के पास भी हंगामा बढ़ता गया, कंफ्यूजन के हालात भी बन गए। लॉकडाउन 4 का ये पहला दिन, और ऐसे में देखिए सड़कों पर आमतौर पर जितना ट्रैफिक इन दिनों दिख रहा था उससे ज्यादा ट्रैफिक दिखाई दिया, चाहे डीएनडी की हालत हो या फिर दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर हालात हो। एक कंफ्यूजन की स्थिति जरूर थी, और चेकिंग हुई क्योंकि हर चेक पॉइंट पर, तो उसकी वजह से ट्रैफिक और बढ़ता चला गया। पुनीत शर्मा इस वक्त जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। पुनीत, हम इस वक्त डीएनडी की तस्वीर देख रहे हैं, जाम की स्थिति वहां पर, आपने जहां जहां दिल्ली की सड़कों से आप गुजरे क्या स्थिति आपने देखी? देखिए, जो सिचुएशन पहले थी लॉकडाउन 3 में कि कहीं ना कहीं सन्नाटा सा था, इक्का दुक्का गाड़ियां नजर आती थी, लेकिन लॉकडाउन 4 के पहले दिन ही जो गाड़ियां हजारों की तादाद में सड़क पे निकल आई हैं, इस वक्त डीएनडी का हाल आपको दिखाना चाहूंगा। जिस तरफ नजर दौड़ाएंगे, जितनी दूर तक नजर दौड़ाएंगे, सिर्फ गाड़ियों का ये काफिला टाइप से नजर आ रहा है। पुलिस का कहना है कि लगभग 4 गुनी संख्या में आज गाड़ियां सड़कों पर निकल आई हैं, दिल्ली की तरफ से ये गाड़ियां जो आ रही हैं। एक सवाल आपसे मेरा यहाँ पर ये कि मैं खुद इस डीएनडी के रास्ते से गुजरती हूँ, सुबह 1 किलोमीटर लंबा जाम मैंने खुद देखा है, ऐसे में जब गाड़ियों की संख्या ज्यादा है तो वहां पर ज्यादा ओपनिंग पॉइंट्स बनाए जाने चाहिए, ना कि सिर्फ एक, जो कि आम दिनों में जब पिछले 3 लॉकडाउन हुए थे तो सिर्फ एक एंट्री पॉइंट था, अब ज्यादा एंट्री पॉइंट क्यों नहीं कर दिए जाते? देखिए नेहा, आपको बताना चाहूंगा कि शुरुआत में यहाँ पर एक एंट्री पॉइंट था सिर्फ, ये यहाँ पर चेकिंग हो रही थी मेरी जगह पर, लेकिन अब चूंकि गाड़ियों की रफ्तार काफी ज्यादा है, संख्या काफी ज्यादा है, इसमें 3 पॉइंट्स को खोल दिए गए हैं, यानी कि 3 पॉइंट से ये गाड़ियां जो निकल रही है, लेकिन गाड़ियां काफी ज्यादा है, और इसीलिए पुलिस एक एक गाड़ियों को चेक कर रही है, जिनके पास पास है उन्हें देने जाने दिया जा रहा है। देखिए 3 लाइन से ये गाड़ियां हैं और तीनों लाइनें काफी ज्यादा लंबे में है। इस वक्त SHO सेक्टर 20 हमारे साथ है, सर ये बताइए गाड़ियां इतनी ज्यादा क्यों है और किन गाड़ियों को आप अंदर जाने दे रहे हैं? सर, जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, प्रेस हैं, डॉक्टर्स हैं और जिनके पास वैध पास है उनको ही हम अंदर जाने दे रहे हैं। आज गाड़ियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, शायद दिल्ली में कुछ अलग से किया हुआ, प्राइवेट गाड़ियों को अलाउड किया हुआ है, तो उन लोगों को कुछ भ्रांति है कि शायद नोएडा का बॉर्डर खुल गया है, इसीलिए बहुत ज्यादा गाड़ियां आ जा रही हैं। कितने गुनी गाड़ियां हैं लगभग? लगभग 5-6 गुनी गाड़ियां ज्यादा आ गई हैं। आपको फोर्स ज्यादा लगानी पड़ रही है? जी जी, फोर्स ज्यादा लगानी पड़ रही है। 3 लाइन आपने खोली है, रोजाना 1 लाइन होती थी? जी, डेली 1 लाइन होती थी, 3 लाइन खोलने के बाद भी आप देख रहे हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। नेहा, 3 लाइन खुली है लेकिन अभी भी लगभग 1.5 किलोमीटर तक ये जाम पहुंच चुका है, हालांकि कुछ देर पहले जाम काफी लंबा था लेकिन 3 लाइन खोलने के बाद यहां पर है, लेकिन वही गाड़ियां जा रही हैं जिनके पास पास है। कहीं ना कहीं पुलिस का कहना है कि लोगों में ये भ्रांति है, ये उन लोगों को गलत फहमी हो गई है कि नोएडा का बॉर्डर खोल दिया गया है, लेकिन कालिंदी कुछ इलाके में लगभग 3.5 किलोमीटर का जाम अभी लगा हुआ है, यानी कि जो एंट्री बॉर्डर्स हैं नोएडा में घुसने के, वहां पर किलोमीटर में जाम है और हजारों की तादाद में गाड़ियां इस वक्त सड़क पर पहुंच चुकी हैं। पुनीत, जो गाड़ियां निकल रही हैं इस वक्त, अगर आपकी लोगों से बात हुई हो कुछ देर पहले भी, क्योंकि हम देख रहे हैं काफी भीड़ वहां पर है, ये लोग कौन है? मतलब ये दफ्तरों के लिए निकले हैं या ये दिल्ली से नोएडा की तरफ जाने वाले लोग हैं, मतलब ये कौन सा क्लास है जो यहां से गुजर रहा है? देखिए, आपको बता दूं कि कुछ लोगों के पास तो पास है, लेकिन इनमें से ज्यादातर वो लोग हैं जिनकी अपनी फैक्ट्रीज है, जिनको अपने पर्सनल काम है, वो पुलिस से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि लॉकडाउन खोल दिया गया है, कहीं ना कहीं बॉर्डर खोल दिया गया है कि आप जा सकते हैं, सरकार ने कुछ ज्यादा छूट दिया, लोगों ने जो गाइडलाइन है उनको नहीं पढ़ा है, और ऐसे में यही दिक्कत पुलिस को आ रही है कि उनको पास इनको समझाना पड़ रहा है, और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ ये आ रही है जो हम पिछले आधे घंटे से देख रहे हैं, पुलिस को यहाँ पर लोगों से बहस करनी पड़ रही है, लोग पुलिस से उल्टा बहस कर रहे हैं जाने देने के लिए, जबकि उनके पास कोई भी पास या मान अथॉरिटी नहीं है। ऐसे में वो लोग जिनकी दुकानें हैं, वो लोग जो फैक्ट्रीज जिनकी हैं, वो लोग अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं लगातार नोएडा में। लॉकडाउन के तीसरे चरण के दौरान ही राज्य सरकारों ने ज्यादा अधिकारों की मांग की थी, दलील ये थी कि पाबंदी लगाने के कायदे कानून स्थानीय स्तर पर बने तो ज्यादा कारगर रहेंगे। अब मोदी सरकार ने राज्यों की इस मांग को मान लिया है, लेकिन अब देखना होगा कि राज्य आगे क्या तय करते हैं। पिछले 54 रोज से कोई ऐसा दिन नहीं बीता जब कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी ना हो। हर रोज संक्रमण का दायरा बढ़ता गया और अब देश में 90,000 से ज्यादा लोग वायरस के शिकार हो चुके हैं। राज्य सरकारों की मांग थी कि कोरोना से जंग को
और धारदार बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर फैसले लेने की इजाजत मिलनी चाहिए। अब केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों की इस मांग को मान लिया है। लॉकडाउन के चौथे चरण के ऐलान के साथ ही केंद्र सरकार ने राज्यों को कई अधिकार दिए हैं। नए गाइडलाइंस के मुताबिक कोरोना संक्रमण 3 की बजाय 5 जोन में रखा जा सकेगा और राज्य सरकारें अब जोन तय कर सकती हैं। केंद्र की गाइडलाइन से बाहर गए बगैर राज्य सरकारें छूट का दायरा निर्धारित कर सकती हैं। राज्य सरकारें दुकान खोलने पर फैसला ले सकती हैं और इसके लिए जरूरी दिशा निर्देश भी जारी कर सकती है। लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत हो रही है और हिमाचल प्रदेश में हमने तय किया कि हम अभी भी कर्फ्यू ही लागू रखेंगे और ये कर्फ्यू जहां हिमाचल प्रदेश की बात है ये 31 मई तक जारी रहेगा। लॉकडाउन के दूसरे चरण में ही राज्यों की तरफ से ये मांग उठने लगी थी कि उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से और ज्यादा अधिकार मिले। मुझे ये उम्मीद थी कि केवल कंटेनमेंट जोन्स को रेड किया जाएगा, बाकी दिल्ली को खोल दिया जाएगा। मैं केंद्र सरकार से बातचीत कर रहा हूँ कि जी बाकी दिल्ली को अब खोल दीजिए, दिल्ली खुलने के लिए अब तैयार है, हम सब लोग तैयार हैं। केवल कंटेनमेंट जोन्स को, आज 97 कंटेनमेंट जोन्स हैं दिल्ली के अंदर, अगर वो अपनी कंडीशंस और सख्त करके 97 के 200 कंटेनमेंट जोन कर लो, 250 कंटेनमेंट जोन कर लो, बाकी दिल्ली को तो खोल दीजिए। केंद्र सरकार ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए राज्यों के बीच बसों के संचालन को इजाजत दे दी है। हालांकि नए गाइडलाइंस के मुताबिक राज्यों के बीच आपसी सहमति से बसों की सेवाएं शुरू हो सकती हैं। लॉकडाउन 4 में केंद्र के गाइडलाइन के बाद अब राज्य सरकारें माथा पच्ची में जुट गई है। जम्मू कश्मीर में 19 मई तक लॉकडाउन 3 के नियम लागू रहेंगे। गुजरात में लॉकडाउन 4 पर गाइडलाइंस मंगलवार से लागू होगा। दिल्ली में आज केजरीवाल सरकार नई गाइडलाइंस जारी करेगी। लॉकडाउन 4 के दिशा निर्देश से संकेत मिल गए हैं कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन लॉकडाउन से बाहर निकलने की तैयारी की जा रही है। राज्य सरकार अब मंथन करके ठप पड़े उद्योग धंधों को पटरी पर लाने की कोशिश करेगी। हालांकि इस दौरान भी कोरोना संक्रमण को लेकर किसी तरह की कोई लापरवाही की गुंजाइश नहीं होगी। आज तक ब्यूरो। आज से लॉकडाउन 4 लागू हो चुका है। इस बार लॉकडाउन में जोन काफी अहम है, जिसके हिसाब से छूट तय की जाएगी। ये जोन अब 3 से बढ़ाकर 5 कर दिए गए हैं, जिसका फैसला भी अब राज्य सरकार के हाथ में है। चौवन दिनों तक घरों में कैद जिंदगी को अब कितनी आजादी मिलने वाली है, इसका फैसला जोन के हिसाब से लिया जाएगा। कोरोना के खिलाफ जंग में सरकार ने इलाकों को कोरोना संक्रमण के केस के हिसाब से बांटा, जिसके आधार पर रणनीति तय की गई। 54 दिन तक कोरोना के खिलाफ जो जंग 3 जोन में लड़ी जा रही थी, वो अब 5 जोन तक पहुंच गई है। रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन, बफर जोन, कंटेनमेंट जोन, यानी जंग अब और केंद्रित हो गई है। कंटेनमेंट जोन को देश के कई राज्यों ने अपनी तरफ से चिन्हित किए, लेकिन अब बफर जोन का एक विकल्प भी दिया गया है। आइए आपको समझाते हैं कि किस जोन में क्या है और वहाँ क्या रियायत दी जाने वाली है। रेड जोन वो इलाका है जहाँ कोरोना के सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज हैं। इस इलाके में पूरी तरह से पाबंदी जारी रहेगी, सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए छूट होगी। इलाके में आने जाने वाले पर भी पूरी तरह से रोक जारी रहेगी। ऑरेंज जोन वो इलाका होगा जिसमें कोरोना के केस आए होंगे, लेकिन वहाँ हालातों में सुधार दिख रहा होगा, यहाँ पर कुछ पाबंदियाँ हटेंगी। ग्रीन जोन पूरी तरह से कोरोना फ्री क्षेत्र होगा, जहां पूरी तरह से छूट दी जाएगी। सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा और मास्क लगाना जरूरी होगा। इसके अलावा आता है बफर जोन, जो कि ऑरेंज जोन और रेड जोन के बीच होगा। ये इन दोनों जोन के अंदर के वो इलाके होंगे जिसमें कोरोना संक्रमण के केस तो नहीं होंगे, लेकिन कोरोना फैलने का खतरा होगा। ऐसे में प्रशासन इन इलाकों पर अपनी नजर बनाए रखेगा, जिसके हिसाब से छूट दी जाएगी। कंटेनमेंट जोन वो इलाका होगा जहां कोरोना के मामलों में तेजी से उतार चढ़ाव नजर आएगा। ये इलाका भी ऑरेंज और रेड जोन के अंदर चिन्हित किया जाएगा, जहां पूरी तरह से पाबंदी जारी रहेगी, सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं की इजाजत मिलेगी। अब ये राज्य सरकार के पास हक है कि वो अपने जिलों को किस तरह से इन जोन में बांटती है।
क्योंकि संक्रमित मरीजों की संख्या राज्यों के हालात के हिसाब से निर्भर करेगी। जोन में बांटने के आधार पर भी इलाके में सुविधा जारी की जाएगी, यानी अब राज्य और जिला स्तर पर कोरोना के खिलाफ जोन बनाकर रणनीति तय की जाएगी। भारत सरकार ने हेल्थ विभाग ने जो गाइडलाइन छे ए अनुसार आवती काले बधा कलेक्टर म्युनिसिपल कमिश्नरो डीडीओ बधा साथे बेसीने पोतपोताना विस्तारना कंटेनमेंट जोन ए राज्य सरकार मा सुप्रत करशे अने राज्य सरकार एने आवती काले फाइनलाइज करशे। अब गेंद राज्य सरकार के पाले में है। राहुल गांधी ने पहले ही ये मांग की थी कि जोन का निर्धारण केंद्र की बजाय राज्य और जिला स्तर पर किया जाए, ताकि राज्य अपने हिसाब से कोरोना से जंग लड़ सकें। ये जो जोन्स बने हैं, ये नेशनल लेवल से बने हैं, ये जोन्स स्टेट लेवल पे बनने चाहिए। हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हमें कह रहे हैं कि नेशनल लेवल पे जो रेड जोन है वो एक्चुअली ग्रीन जोन है, और जो ग्रीन जोन है वो एक्चुअली रेड जोन है। तो इंफॉर्मेशन स्टेट लेवल लीडर्स के पास है, तो जरूरी है कि जो हमारे जोन्स बन रहे हैं, छोटा सा उदाहरण दिया है, जो हमारे जोन्स बन रहे हैं वो एक्चुअली डीएम और चीफ मिनिस्टर के बेसिस पे बनने चाहिए, डीएम के पास इंफॉर्मेशन है। जोन के निर्धारण राज्यों के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लॉकडाउन एक और चार में तुलना करें तो जमीन आसमान का फर्क देखने को मिल रहा है। देश में कोरोना के रोजाना केस 5000 के करीब पहुंच रहे हैं, वहीं महाराष्ट्र में रोजाना 2000 से ज्यादा केस सामने आने लगे हैं। अकेले मुंबई में 1500 रोजाना केस तक मामला छूने लगा है। ऐसे में जोन वाली भूमिका काफी अहम होने वाली है, जहां कंटेनमेंट जोन और बफर जोन काफी महत्वपूर्ण दिख रहे हैं। जितेंद्र बहादुर के साथ आज तक ब्यूरो। निर्मला सीतारमण आई तो थी राहत की पांचवी किश्त का ऐलान करने के लिए, लेकिन वो प्रवासी मजदूरों के साथ राहुल गांधी की तस्वीर को भूली नहीं थी। निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस से पूछा, क्या ये ड्रामेबाजी नहीं है? हल जो हुआ माइग्रेंट को उनके रास्ते पे चलते हुए बगल में बैठ करके बातचीत करने का, वो समय है क्या? वो ड्रामाबाज नहीं है क्या? वैसे तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राहत पैकेज का ऐलान करने पहुंची थी, लेकिन एक सवाल का जवाब देते वक्त उनके आंखों के सामने राहुल गांधी की मजदूरों से मुलाकात वाली तस्वीर घूम गई और वो नाराज हो गई। वित्त मंत्री भड़की और राहुल गांधी की मजदूरों की इस मुलाकात को ड्रामा करार दिया। यहां तक कह गई कि राहुल ने मजदूरों का वक्त बर्बाद किया। कल जो हुआ माइग्रेंट को उनके रास्ते पे चलते हुए बगल में बैठ करके बातचीत करने का, वो समय है क्या? वो ड्रामाबाज नहीं है क्या? उनके टाइम बर्बाद करते हुए उनके पास बैठ करके बात करना, बातचीत करना, उससे बेहतर होगा उनके साथ पैदल जाकर के उनके बच्चे को, उनके सूटकेस को साथ कैरी करके बात करते चलते। वित्त मंत्री ने सवाल उठाया कि कांग्रेस मजदूरों के साथ हमदर्दी तो दिखाती है, लेकिन उनकी राज्य सरकार मजदूरों के लिए और ट्रेनें क्यों नहीं मांगती? वहीं कांग्रेस का आरोप है कि मजदूरों के लिए उसके स्तर पर बसों का जो इंतजाम किया गया है, उन्हें बीजेपी शासित राज्य अपनी सीमा में घुसने ही नहीं दे रहे हैं। मीनाक्षी, लॉकडाउन 4 की पहली सुबह काफी अलग है, क्यों ये आपको बता देते हैं। काफी कुछ बदल गया है आज तस्वीर। आज से दुकानें, बाजार, दफ्तर तो खोल दिए गए हैं, पर सड़क पर गाड़ियों का जैसे सैलाब उतर आया। अब नए लॉकडाउन में कोरोना से निपटने के लिए लड़ना भी है और जिंदगी को आगे भी बढ़ाना है, इसीलिए अब चुनौती भी बड़ी है और जिम्मेदारी भी। खुल गई दुकानें, मुंह मीठा करने का हो गया बंदोबस्त, सैलून के शटर उठे, शराब सिगरेट पान का खोखा खुला, दफ्तरों में रौनक लौटी, सड़कों का सन्नाटा खत्म हुआ, दौड़ने लगी गाड़ियां, फराटा भरने लगी बसें। ये है लॉकडाउन 4 की पहली सुबह। आज से देश भर में नए कलेवर, नए अंदाज के साथ लॉकडाउन लागू हो गया,
जो पहले तीन लॉकडाउन से काफी अलग है, काफी बदला बदला सा है। करीब दो महीने बाद बंगाली मार्केट की बंगाली स्वीट्स की दुकान खुल गई है। देख सकते हैं कि पहला ग्राहक भी यहाँ पहुंचा है। मैडम क्या लेने आई है? करीब दो महीने के बाद ये दुकान खुली है मिठाइयों की और ये रेस्टोरेंट। नहीं, मेरे को नमकीन और बिस्किट लेना। आप यहीं से लेती रही हैं? हाँ। तो आप देख सकते हैं कि दुकान खुली और ग्राहक आने शुरू हो गए। बात करते हैं, दुकान के मालिक भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। करीब दो महीने के बाद दुकान खुली है ये। हाँ जी। और आज अभी भी यहाँ पे बैठ के लोग खा नहीं सकते, सिर्फ ले जा सकते हैं होम डिलीवरी? तो जो आदेश है, कोई रेस्टोरेंट नहीं खुला हुआ, किसी तरह की कोई सर्विस नहीं है, सिर्फ यहाँ से ले जा सकते हैं या हमें ऑर्डर दें, हम होम डिलीवरी कराएं। आज से सिंगल शॉप, होम डिलीवरी के लिए रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकान, पान सिगरेट की दुकान और सैलून खोलने की इजाजत दे दी गई है। इनमें राज्यों का रोल खास होगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर बस, टैक्सी, रिक्शा को भी मंजूरी मिली है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। गृह मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक राज्य आपसी सहमति से अंतरराज्यीय बसें भी चला सकेंगी। कोरोना के साथ जिंदगी की रफ्तार देने के लिए गृह मंत्रालय ने स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोले जाने की भी इजाजत दे दी, लेकिन दर्शकों को वहां जाने की इजाजत नहीं होगी। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि आईपीएल जैसे आयोजन शुरू हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो स्टेडियम में होने वाले मैच को दर्शक सीधे तो नहीं देख सकेंगे, लेकिन प्रसारण के जरिए टीवी और मोबाइल पर उन्हें देखा जा सकेगा। लेकिन लॉकडाउन 4 में भी होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, मॉल्स, जिम, स्विमिंग पूल, पार्क, स्कूल, कॉलेज और दूसरी शिक्षण संस्थाएं बंद ही रहेंगी, ताकि एक जगह पर ज्यादा लोग जमा ना हो सके। देश भर में लॉकडाउन 4 का आगाज हो चुका है और ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर एक अच्छा खासा ट्रैफिक जो है वो देखने को मिल रहा है। अमूमन जो लॉकडाउन से पहले की तस्वीरें होती थी, वही तस्वीरें जो हैं वो इस वक्त नज़र आ रही हैं। आईटीओ पर हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें जो हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगी, टू व्हीलर्स भी जो है वो आपको नज़र आएंगे। हालांकि कल जिस तरीके से MHA की गाइडलाइंस आई, कई सारी छूट जो है वो दी गई है, हालांकि कंटेनमेंट जोन में किसी प्रकार की छूट जो है वो नहीं दी गई है। उसके बाद अब दिल्ली की सड़कों पर सुबह के वक्त जो है वो ट्रैफिक की आवाजाही जो है वो अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। बसें, स्पेशल ट्रेन तो चलती रहेंगी, लेकिन मेट्रो और हवाई सफर के लिए अब भी इंतजार करना पड़ेगा। जितेंद्र बहादुर सिंह और मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। दरअसल मीनाक्षी सरकार ने कोरोना से लड़ने का तरीका बदल दिया है। अब राज्य फ्रंट फुट पर होंगे, वही प्लान बनाएंगे और वही फैसला भी लेंगे, और ये जरूरी भी है क्योंकि पिछले लॉकडाउन के दौरान भी जब चर्चा हुई थी तो राज्यों ने ये मांग की थी कि उन्हें ज्यादा अधिकार दिए जाएं। भारत एक बड़ा देश है और हर राज्य की अपनी रूपरेखा है, अपनी जरूरतें हैं, और ऐसे में चुनौतियों का सामना करने के लिए राज्यों को ये चाहिए कि फैसले लेने का अधिकार उनके पास हो। लॉकडाउन के 54 रोज हो गए, 3 बार लॉकडाउन बढ़ाया गया। अब तक केंद्र सरकार दिशा निर्देश तय करती थी, कायदे कानून बनाती थी, कोरोना के खिलाफ जंग का मोर्चा संभालती थी, लेकिन नए लॉकडाउन में काफी कुछ बदल गया। अब राज्यों को जिम्मेदारी दी गई है, राज्य ही तय करेंगे कि कोरोना महामारी से कैसे लड़ा जाए, कैसे लॉकडाउन लागू हो, कहां छूट मिले, कहां सख्ती से पाबंदी हो। गृह मंत्रालय के नए दिशा निर्देश के मुताबिक अब इलाकों को 3 के बजाय 5 जोन में बांटा जाएगा। जोन भी राज्य सरकारें तय करेंगी और किस जोन में कितनी छूट देनी है, किसे छूट देनी है, ये फैसला भी राज्यों पर ही छोड़ दिया गया है। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के बाद लॉकडाउन को लेकर राज्य सरकारें माथापच्ची में जुट गई हैं। दिल्ली सरकार आज भी नए दिशा निर्देश का ऐलान करेगी। मुख्यमंत्री केजरीवाल पहले ही दिल्ली के एक कंटेनमेंट जोन छोड़कर पूरी दिल्ली को खोलने की वकालत करते रहे हैं। उन्होंने तो केंद्र से मेट्रो चलाने और शर्तों के साथ मॉल्स खोलने की सलाह भी दी थी। मुझे ये उम्मीद थी कि केवल कंटेनमेंट जोन्स को रेड किया जाएगा, बाकी दिल्ली को खोल दिया जाएगा। मैं केंद्र सरकार से बातचीत कर रहा हूँ
कि जी बाकी दिल्ली को अब खोल दीजिए, दिल्ली खुलने के लिए अब तैयार है, हम सब लोग तैयार हैं। केवल कंटेनमेंट जोन्स को, आज 97 कंटेनमेंट जोन्स हैं दिल्ली के अंदर, अगर वो अपनी कंडीशंस और सख्त करके 97 के 200 कंटेनमेंट जोन कर लो, 250 कंटेनमेंट जोन कर लो, बाकी दिल्ली को तो खोल दीजिए। राजस्थान की गहलोत सरकार भी आज लॉकडाउन 4 की नई गाइडलाइंस जारी करेगी। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर और उदयपुर को छोड़कर बाकी शहरों में काफी रियायत दी जा सकती है। देखिए, मांग तो हम सबकी थी कि भाई आप कब तक केंद्र सरकार चलाएगी लॉकडाउन को पूरे देश के अंदर? सारे सर्कुलर को 600 सर्कुलर निकल गए होंगे केंद्र से, रोज सर्कुलर निकल रहे थे और राज्य सरकारें फॉलो करें। गुजरात सरकार लॉकडाउन पर कल अपना फैसला सुनाएगी। उम्मीद है कि अहमदाबाद को छोड़कर गुजरात के ज्यादातर जिलों में जिंदगी को रफ्तार देने की छूट दे दी जाए। जम्मू कश्मीर भी कल ही नए लॉकडाउन की रूपरेखा तय करेगा। देश में लॉकडाउन की चौथी किश्त आ गई, लेकिन कोरोना की रफ्तार में कमी नहीं आई। आज जब नए कलेवर के साथ लॉकडाउन लागू हुआ है तो कोरोना के मामले एक दिन में रिकॉर्ड बढ़ गए। ऐसे में अब राज्यों में जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है। राज्य सरकारें पहले से ही ज्यादा अधिकार की मांग कर रहे थे, कोरोना संक्रमण के जोन अपने मुताबिक तय करने की बात कर रहे थे। अब राज्य ही फ्रंट पर है, उन्हें ही कोरोना के खिलाफ मोर्चाबंदी करनी है, कोरोना से लड़ना है, कोरोना को हराना है। जयपुर से शरद कुमार, अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। अंतहीन मुश्किलें हैं मजदूरों की भी, घर जाने के लिए उन्हें तमाम कठिनाइयां झेलनी पड़ रही हैं, घर पहुंचकर भी कोई राहत नहीं है। बिहार से लौटे मजदूरों को घर जाने से पहले क्वारंटीन सेंटर में रखा गया, लेकिन वहां की बदइंतजामी ऐसी कि इनका सब्र जवाब दे गया। पटना और समस्तीपुर में तो हालात काबू से ही बाहर हो गए। लॉकडाउन में रोजी रोटी गंवाने के बाद जब प्रवासी मजदूर मजबूरी में अपने अपने गृह राज्य पहुंच रहे हैं तो ऐसे हालातों से सामना हो रहा है। क्वारंटीन सेंटर में कहीं पानी के लिए आपस में संग्राम तो कहीं खराब खाना को लेकर नारेबाजी। बिहार के समस्तीपुर में सिंघिया ब्लॉक में बनाए गए इस क्वारंटीन सेंटर में उस वक्त बवाल मच गया जब पानी को लेकर आपस में ही भिड़ गए प्रवासी मजदूर। कोई बाल्टी से एक दूसरे पर वार करने लगा तो कोई लाठी भांजने लगा। हालांकि जब समस्तीपुर के डीएम से जानकारी ली गई तो कहा कि लड़ाई पानी की नहीं, दो गुटों में आपसी वर्चस्व की थी। लोगों को समझाया गया कि क्वारंटीन कैंप है, यहाँ आपसी गुटबाजी वगैरह नहीं करना। पानी की समस्या वहाँ नहीं है, वहाँ जल नल का भी मुझे सूचना मिली है कि जल नल का भी सोर्स है, टैंकर से पानी दिया जा रहा है, तो लोगों को हम लोगों ने समझा दिया है। हंगामे का ये मंजर पटना जिले के फतुहा का है, जहां क्वारंटीन सेंटर बनाए गए इस हाई स्कूल में प्रवासी मजदूरों का आक्रोश दिखा। मजदूरों का आरोप है कि इन्हें ना तो वक्त पर खाना मिल रहा है, न सैनिटाइजर, न मास्क और न ही हाथ धोने के लिए साबुन की कोई व्यवस्था है। आरोप ये भी है कि अगर इनके घर से बना हुआ खाना कोई ला रहा है तो उसे भी अधिकारी इन्हें लेने से मना कर देते हैं। सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर से बिहार लौटे इन मजदूरों ने नीतीश के सुशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। ये तीसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गांव कल्याणी की है। दो गुटों में जमकर मारपीट हो रही है, बच्चे और जवान के साथ महिलाओं की भागीदारी भी पूरी है। लाठी डंडों की बारिश है, हल्ला हंगामे की भरमार है। दरअसल कल्याणी गांव में एक शख्स महाराष्ट्र के नासिक से लौटा है और उसी को क्वारंटीन कराए जाने को लेकर दो गुटों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में करीब 6 लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। दोनों पक्षों से कई लोग गिरफ्तार भी हुए हैं।
दोनों पक्षों को धारा 151 में गिरफ्तार करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई है। तस्वीरें यही गवाही दे रही हैं कि लॉकडाउन की मार से बचने के लिए अपने गृह इलाके में पहुंचे लोगों को यहां भी राहत नहीं है। कहीं पानी और खाना को लेकर हाल बेहाल है, तो कहीं बीमारी की शक पर बवाल है। उन्नाव से विशाल चौहान और पटना से राजेश कुमार झा के साथ जहांगीर आलम, समस्तीपुर आज तक। मजदूरों का आक्रोश फूटा ही इसीलिए है क्योंकि वो घर जाना चाहते हैं और उन्हें घर पहुंचने में काफी दिक्कत हो रही है। और ऐसे में जो हालात बने हैं वो तस्वीरें लगभग एक जैसी ही अलग अलग शहरों से हैं। कहीं पर मजदूर पैदल जा रहे हैं, कहीं पर साइकिल से, कहीं ट्रक पर अपने घर की तरफ निकले हैं। मजदूरों ने घर जाने के लिए हंगामा किया तो क्यों किया, ये तस्वीरें उसका जवाब है। मजदूर आक्रोशित हुए तो क्यों हुए, ये तस्वीरें उसकी गवाह। पैर में छाले पड़े या रास्ते में खाने के लाले पड़े, सूरज के तपेश शरीर की नमी निचोड़ ले या राह चलती कोई गाड़ी सांसें उखाड़ ले, किसी बात की कोई चिंता नहीं, बस निकल पड़ा मजदूर अपने घर की ओर। बच जाए किसी तरह से जान, सिर्फ घर पहुंचने का अरमान। पैदल चल चल के चप्पल फट गई, उर्बाने हो गए हमारे जिनावर भी, इसे इनको बचपन से पाले, इतने बड़े हो गए, इनको भी छोड़ के नहीं जा सकते, हम भूखे मरते हैं। ठेले पर पूरी गृहस्थी लादे ये परिवार करीब 500 किलोमीटर की दूरी तय करके गुरुग्राम से कन्नौज पहुँच गया है। हजारों जानलेवा संकटों को काटता हुआ मजदूर अपने घर से बस चंद किलोमीटर की दूरी पर है। भूखे मर रहे, पैदल चलते चलते यहाँ आए, यहाँ खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं, यहाँ पर आग पे सेक के बाटी। ठेले पर परिवार को लादे मजदूर तो सही सलामत कन्नौज पहुँच गया, लेकिन इसी कन्नौज में भूखे प्यासे हरदोई के लिए निकले मजदूर ने दम तोड़ दिया। मजदूर मुंबई से कन्नौज तक ट्रक से आया और यहाँ से हरदोई के लिए पैदल निकला था, मगर रास्ते में ही सांसें टूट गई। ये फतेहपुर शेखावटी की तस्वीरें हैं। पूरा परिवार 40 डिग्री के चिलचिलाती धूप में घर की ओर बढ़ता जा रहा है। सारी परेशानियां एक तरफ, घर पहुंचने का सपना एक तरफ। सीहोर हाईवे की तस्वीरें हैं ये। ट्रकों में भेड़ बकरियों की तरह मजदूर भरे हैं। कोरोना संक्रमण तो इनके दिमाग में कहीं है भी नहीं, इन्हें सिर्फ घर जाना है। ये लखनऊ की तस्वीरें हैं। 5 दिन तक लगातार साइकिल चलाकर मजदूर लखनऊ पहुंचे थे, जाना इन्हें सुपौल था, लेकिन रास्ते में प्रशासन ने इनकी साइकिल बसों पर चढ़वाई और बसों के जरिए इन्हें सुपौल के लिए रवाना किया। आज तक की टीम ने बात की तो बकायदा जो इलाके के SDM हैं उन्होंने दूसरी बस लेकर के वो खुद आए हैं और इन मजदूरों को भेजा जाएगा बस के जरिए। मतलब साफ है कि मजदूरों की संख्या ज्यादा है और इंतजाम नाकाफी। बेहतर होगा कि मजदूरों को मुकम्मल मदद मिले ताकि ये सही सलामत अपने घर पहुंच सके। आज तक ब्यूरो। अब आपको दिल्ली के एक परिवार की व्यथा दिखाते हैं। परिवार दरअसल दिल्ली के मंडावली इलाके में रहता था, मगर हालात ऐसे बिगड़े कि पूरा परिवार ही पैदल टीकमगढ़ के लिए निकल पड़ा। पूरा परिवार, साथ में 15 दिन की बच्ची, घर का सामान, मगर इनका हौसला सारी मुसीबतों पर भारी है। इन तस्वीरों को देखने के बाद ये तय करना मुश्किल है कि सिर पर गृहस्थी का बोझ ज्यादा है या दिल में जब्त बेबसी का बोझ। इन तस्वीरों को देखने के बाद तय करना मुश्किल है कि ये सड़कें बड़ी हैं या इन मजदूरों का घर पहुंचने का ख्वाब बड़ा है। इन तस्वीरों को देखने के बाद तय करना मुश्किल है कि कोरोना का संकट बड़ा है या अट्टालिकाओं से सजे शहर में भूखे मर जाने का डर बड़ा है। ऐसी तस्वीरें आती जा रही हैं, मजदूर जाते जा रहे हैं,
निकल पड़े हैं पांव ताकि जल्दी पहुंचे गांव। 15 दिन की बेटी गोद में और हाथ में गृहस्थी का सामान समेटे दिल्ली को हमेशा के लिए छोड़कर मजबूरी में निकल पड़ा है ये परिवार। ये जो बच्ची है इसकी माँ बोल नहीं सकती, वो बता नहीं सकती कि किस तकलीफ से दो चार होकर उन्होंने छोड़ा उस शहर को जहां पर 2 जून की रोटी के जुगाड़ के लिए ये आए थे। पूर्वी दिल्ली के मंडावली में रहता था ये परिवार, मगर अब निकल पड़ा है मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में अपने गांव की ओर पैदल। पीछे तस्वीरों में ये जो लोग नजर आ रहे हैं ये वो तमाम लोग हैं जो पैदल ही मध्य प्रदेश जाने के लिए निकल पड़े हैं। इनसे हम बातचीत कर लेते हैं, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, मेरे ठीक पीछे आपको ये जो महिला नजर आ रही है इनके गोद में ये बच्चा है। कितने दिन का ये बच्चा है? 15 दिन का है। कोई पूछे कि परेशानी क्या थी तो जवाब सुनकर दिल सहम जाए। अब मजबूरी है साहब, काहे की नहीं है मजबूरी है बताओ, 2 महीना से बैठे हैं, क्या खाएंगे अब, क्या 2 महीना हो गए बैठे बैठे, हाँ अब क्या खाएंगे, यहाँ अब तो जाने ही पड़ेंगे। इस परिवार में ज्यादातर बच्चे और महिलाएं हैं। सरकारें कहती रहीं कि मजदूरों को दिल्ली में पर्याप्त खाना मिल रहा है, मगर इस परिवार की माने तो अगर खाना ही मिल रहा होता तो दिल्ली से टीकमगढ़ के लिए ये पैदल निकलते ही क्यों। सरकार कह रही कि राशन दे रहे हैं, खाने का दे रहे हैं, मिल पा रहा है? नहीं नहीं, हमें तो साहब कुछ नहीं मिला है, हमें तो कुछ नहीं मिला, मिलता तो साहब हम पड़े रहते हो, क्या करें यहाँ, खाने के लिए कुछ है नहीं, पैसे जेब में है नहीं, टिकट कराने के लिए पैसे नहीं है, क्या करें यहाँ बैठ, अपने गाँव जाके कुछ नहीं तो वहाँ पेट तो भरेंगे कुछ नहीं। अलग अलग शहरों से ऐसी एक नहीं कई तस्वीरें सामने आ रही हैं और हर तस्वीर एक टीस पैदा करती है, हर तस्वीर सवाल करती है कि इस देश का मजदूर इतना मजबूर क्यों है। पंकज जैन, दिल्ली आज तक। मजदूरों के पलायन को लेकर राजनीति भी अपने चरम पर है। दिल्ली पुलिस की ओर से दिल्ली में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए गए। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि कांग्रेस के नेता मजदूरों को न सिर्फ यूपी बॉर्डर पर छोड़ रहे हैं बल्कि उन्हें उकसा भी रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस के आरोपों को कांग्रेस नेता ने खारिज किया है। आज सुबह जब मैं सोके उठा तो मेरे घर पे हमारे एरिया SHO अशोकनगर थाना प्रभारी महोदय घर पहुंचे और मुझे बताया गया कि आपको डिटेन किया गया, आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं। मुझे नहीं मालूम क्यों। दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी अपने ट्विटर हैंडल के जरिए खुद को हिरासत में लिए जाने की खबर सार्वजनिक कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस रविवार सुबह अचानक उनके घर पहुंची और फरमान सुनाया कि वो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते। मैं सोके उठा तो मेरे घर पे हमारे एरिया SHO अशोकनगर थाना प्रभारी महोदय घर पहुंचे। अनिल चौधरी पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली की सड़कों पर पैदल चल रहे मजदूरों के लिए गाड़ियां मुहैया कराई और उन्हें गाड़ियों में भरकर दिल्ली यूपी बॉर्डर तक पहुंचाया। ये गाजीपुर बॉर्डर है और यहां पर बड़ी संख्या में लेबर, वो काफी ज्यादा संख्या में यहां पर इकट्ठा अचानक से हो गए थे जिससे लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत आ गई थी, सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं हो रही थी, ऐसे में संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा था। अब से कुछ देर पहले ही दिल्ली कांग्रेस प्रेसिडेंट अनिल चौधरी को भी दिल्ली पुलिस ने डिटेन किया। से यहाँ अनऑथराइजेडली ट्रक्स में गाड़ियों में भर भर के इक्का दुक्का करके यहाँ ड्रॉप कर रहे थे, तो हमारे पास इसके काफी वीडियोज भी हैं। तो इसी एप्रीहेंशन को लेते हुए कि भाई आज बहुत ज़्यादा क्योंकि लोग यहाँ जमा हो गए हैं तो आगे इस ये ना हो सके तो इन्हीं कारणों से उनको घर पे ही रहने की हिदायत दी गई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अनिल चौधरी ना सिर्फ मजदूरों को बॉर्डर पार कराने की कोशिश कर रहे थे बल्कि उन्हें भड़का भी रहे थे, लेकिन अनिल चौधरी ने तमाम आरोप को खारिज किया और पुलिस पर गलत बयानी का आरोप लगाया। अनिल चौधरी का दावा है कि उन्हें मजदूरों को बसों में ले जाने की इजाजत खुद प्रशासन ने ही दी थी। सवाल ये उठता है, केजरीवाल साहब जिस तरह से आदेश दे रहे हैं, जैसी उन्हें जानकारी मिली, हमारी गुजारिश तो रिक्वेस्ट तो मान ही रहे कि मजदूरों को हम भेज देते हैं, हम बार बार हमने सौगंध तक खाई कि हम भेज देते हैं, हमें पैसा हम देंगे, आपसे कोई नहीं, आश्रय ले लो। इसके बजाय वो उन मजदूरों को जो बस से लीगल वे में जा रहे हैं उनकी परमिशन कैंसिल कर रहे हैं।
कांग्रेस का आरोप है कि सरकार जानबूझकर मजदूरों की मदद करने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोक रही है और इसके पीछे सियासी मकसद है। अरविंद ओझा के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।